नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, बल्कि हम कहेंगे कि सबसे शानदार खबर है। एसएससी कांस्टेबल जीडी के फॉर्म निकलना शुरू हो चुके हैं। 17 जुलाई से आपके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे 31 अगस्त तक। आप 10th पास होने चाहिए, आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में यानी हाइट टेस्ट में जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, स्पेशल एरिया वाले कैंडिडेट हैं, हिली एरिया वाले कैंडिडेट हैं, उनको छूट भी दी गई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपके लिए आ चुकी हैं। हालांकि अभी CRPF में वैकेंसी नहीं आई है, वो वैकेंसी बाद में ऐड की जाएंगी, लेकिन CRPF इस भर्ती को कराएगा, क्योंकि CRPF को नोडल एजेंसी बनाया गया है SSC द्वारा। तो SSC और CRPF मिलकर ये भर्ती करा रहे हैं। काफ़ी सारी वैकेंसी आपके लिए आ चुकी हैं। आज हम आपको इस वैकेंसी की पूरी जानकारी देंगे, पेज क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी, एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, फिजिकल में क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या आए गए हैं, एग्जाम में क्या आएगा, ये सब जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है SSC यानी कर्मचारी चयन आयोग ने। पूरे भारत में भर्ती आई है। ऑनलाइन फॉर्म 17 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक भरे जाने हैं। फीस आप ऑनलाइन 2 सितंबर तक, वहीं ऑफलाइन 7 सितंबर तक जमा करा सकते हैं। अगर हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी आपको 21,700 वाले ग्रेड में मिलेगी, यानी आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 35,000 रुपए महीने। वैकेंसी हम देख लेते हैं, तो CRPF ने अभी अपनी भर्तियों की घोषणा नहीं करी है। इसकी वैकेंसी आपके लिए 0 दिखा रहा है मेल और फीमेल में। तो CRPF की भर्ती बाद में जुड़ेगी, इसमें जो वैकेंसी है CRPF की वो बाद में जोड़ी जाएंगी। वैकेंसी मेल और फीमेल की अलग अलग हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल की, तो BSF में मेल की वैकेंसी 6,413 है, CISF में 7,610, SSB में 3,806, ITBP में 1,216, असम राइफल्स में 3,185, NIA की वैकेंसी अभी नहीं आई है, जल्दी आने वाली है, SSF यानी सेक्रेटरियल सिक्योरिटी फोर्स की वैकेंसी 194 है। टोटल 22,424 वैकेंसी आई है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो BSF में 1,132, CISF में 854, CRPF में कोई वैकेंसी नहीं है, SSB में भी अभी काउंट नहीं की गई है। अगर हम बात करें ITBP की, तो 215 वैकेंसी है, असम राइफल्स में 600 वैकेंसी है, वहीं SSF में वैकेंसी आई है 40। टोटल 2,847 वैकेंसी आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए आ चुकी है। टोटल वैकेंसी है 25,271 और ये ऑल इंडिया बेसिस पर रखी गई हैं। बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट रखी गई है 18 से लेकर 23 साल। ये काउंट की जाएगी 1 अगस्त 2021 को, यानी आपका जन्म 2 अगस्त 1998 से लेकर 1 अगस्त 2003 के बीच में हुआ हो। SST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो गुजरात के दंगा पीड़ित हैं, 1984 के दंगा पीड़ित हैं, या फिर वो कैंडिडेट जो 1989 में जम्मू कश्मीर में हिंसा का शिकार हुए हैं, उनको भी एज पर रूल एक्सेशन दिया जाएगा। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आप 10th पास होने चाहिए। वो कैंडिडेट जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है वो एलिजिबल नहीं है। जिन्होंने ओपन स्कूल से किया है उनको भी एलिजिबल माना गया है। तो सिर्फ और सिर्फ आप 10th पास होने चाहिए और 1 अगस्त 2021 तक आपके पास सर्टिफिकेट 10th पास का होना चाहिए। अगर हम बात करें NCC वालों को कितना बेनिफिट मिलेगा इस भर्ती में, तो NCC का C सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको 5% बोनस मिलेगा, B सर्टिफिकेट पर 3% बोनस मिलेगा और A सर्टिफिकेट पर 2% बोनस आपको मिलने वाला है। अगर आवेदन करने की बात करें तो आप ssc.nic.in वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन करके अप्लाई कर देंगे। और जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो मात्र 100 रुपये रखी गई है। इसमें अभी फीमेल कैंडिडेट को, इसके अलावा SST वालों को और एक्सेसमैन को कोई फी पे नहीं करनी है। फीस का पेमेंट ऑनलाइन आप करेंगे तो 2 सितंबर तक कर देंगे, ऑफलाइन आप 7 सितंबर तक कर सकते हैं, लेकिन आपको चालान 4 सितंबर तक जनरेट करना होगा। अब बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की, तो पूरे भारत में बनाए गए हैं। बिहार यूपी का जो सेंट्रल रीजन है उसमें डिफरेंस सेंटर्स हैं, इसी तरीके से ईस्टर्न रीजन में, कर्नाटका, केरल रीजन में, MP रीजन में, साथ ही नॉर्थ ईस्ट रीजन में, नॉर्थन रीजन में, नॉर्थ वेस्ट रीजन में, सभी जगह आपके एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। आप अपने हिसाब से एग्जाम सेंटर चुन सकते हैं। बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो आपका CBT होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 100 नंबर का आएगा, 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें 25 सवाल आएंगे आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, 25 आएंगे जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के, 25 आएंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के और 25 आएंगे इंग्लिश के या फिर हिंदी के, यानी इंग्लिश या फिर हिंदी जो भाषा आप चुनेंगे।
आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो 25-25 मिनट के आपके चार सेक्शन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और जो आपका पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आएगा। और जब आपका एग्जाम आप पास कर लेंगे उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। यानी जो कैंडिडेट टेस्ट में पास हो जाएंगे उनको बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, नाप तोल के लिए और दौड़ भाग के लिए। बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET की। तो आपकी दौड़ कैसे रहने वाली है, पूरे भारत के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी 24 मिनट में मेल कैंडिडेट को, वहीं फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर दौड़ना होगा 8.5 मिनट में। जो कैंडिडेट लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए इसमें छूट दी गई है, उनको 1600 मीटर की रेस क्वालिफाई करनी होगी 6.5 मिनट में, वहीं फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर दौड़ना होगा 4 मिनट में। लेकिन ये जो PET है ये सिर्फ लद्दाख रीजन के कैंडिडेट देंगे, बाकी सभी को मेल को 5 किलोमीटर 24 मिनट में और फीमेल को 1600 मीटर 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। और वो महिला कैंडिडेट जो 12 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंट पाई जाती हैं उनको टेम्परेली अनफिट कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो इसमें मेल की हाइट है 170 सेंटीमीटर, फीमेल की रखी गई है 157 सेंटीमीटर। यह सभी के लिए कॉमन है। इसमें रिलैक्सेशन किस को मिलने वाला है, तो ST कैंडिडेट के मेल की हाइट है 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल की है 150 सेंटीमीटर। नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट के जो ST वाले हैं उनके लिए हाइट है 157 सेंटीमीटर मेल की, 147.5 फीमेल की। लेफ्ट विंग एक्सट्रीम से प्रभावित जिले हैं वहाँ के जो ST वाले हैं यानी नक्सलवाद से प्रभावित जिलों के ST वाले हैं उनके लिए हाइट 160 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल की 147.5 सेंटीमीटर। गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, इसके अलावा जो कैंडिडेट असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर मेल की, 155 सेंटीमीटर फीमेल की। नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट जो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट है 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल की 152.5 सेंटीमीटर। गोरखा कैंडिडेट के लिए हाइट है 157 सेंटीमीटर मेल की, 152.5 फीमेल की। और ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आते हैं। तो मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर है, फीमेल की 157, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए छूट यहाँ दी गई है। अगर हम बात करें चेस्ट की तो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद ये हो जाए 85 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। वहीं ST वालों के 76 सेंटीमीटर, गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा के लिए है 78 सेंटीमीटर, इसी तरीके से गोरखा के लिए है 77 सेंटीमीटर। और जो असम, हिमाचल के निवासी हैं, जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उनके लिए भी चेस्ट 78 सेंटीमीटर रखी गई है। वेट की बात करें तो हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए और इसमें फाइनल डिसीजन कंसर्न अथॉरिटी का ही रहेगा। मेडिकल की बात करें तो आपका डिटेल मेडिकल होगा और आप फेल हो जाते हैं तो आपके पास री मेडिकल का विकल्प रहेगा। एक चीज हम आपको बता दें कि ये जो एग्जाम होगा इसमें आपको मिनिमम परसेंटेज भी लानी होगी। रिटर्न एग्जाम में EWS, एक्सेसमेंट और सामान्य वालों को 35% मार्क्स लाने होंगे, वहीं SST OBC को 33% मार्क्स लाने होंगे रिटर्न में, तभी उनको पास माना जाएगा। NCC के 5 नंबर, NCC B सर्टिफिकेट के 3 नंबर और A सर्टिफिकेट के 2 नंबर मिलेंगे, यानी C सर्टिफिकेट पे 5, B पे 3, A सर्टिफिकेट पे 2 नंबर भी आपको मिलने वाले हैं। लेकिन रिटर्न एग्जाम में सामान्य वालों को 35%, रिजर्व कैटेगरी को 33% मार्क्स लाने होंगे। और वैकेंसी के 12 गुना की संख्या में रिटर्न एग्जाम में आपको पास किया जाएगा फिजिकल के लिए। इसमें वैकेंसी जो है वो डिफरेंट टाइप की आई हुई है, जैसे BSF में, CASF में, SSB में, ITP में, लेकिन इसमें आपको चॉइस जो है वो अपने हिसाब से देनी होगी कि आप किस कोर्स में जाना चाहते हैं। तो साथी ये थी जानकारी SSC ने जो वैकेंसी निकाली है कांस्टेबल GD की, उसके बारे में हमने आपको बताया। साथियों मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।